हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वही लोहारो में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मुलाकात की। इस मौके पर कृषि मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने नगर पालिका के कामों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने सड़क निर्माण के काम में मानकों की अनदेखी के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही और गुणवत्ता से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृषि मंत्री ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि ड्रिप इरिगेशन में किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को जेल की हवा खानी होगी। पातवान गांव के जो सरसों के खेत का निरीक्षण किया है, इसमें काफी नुकसान दिखाई देता है और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो इसकी गिरदावरी स्पेशल करवा के सरकार से अपनी जो परमिशन लेके इनके मुआवजे का जो केस बने बढ़ा के भेज दे सरकार को, सरकार जो इनको कंपनसेशन देगी। और किसानों के लिए जो आज की सरकार है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किसान हितैषी सरकार है और किसान को हाथ पकड़ के चलने वाली सरकार है। किसी भी तरह का नुकसान होगा उस सरकार का नुकसान होगा, किसान का नुकसान नहीं होगा।